एक फरवरी से YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइज होने वाला है, और YouTube शॉर्ट्स जब मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके थ्रू आपकी रेवेन्यू कैसे बनेगी, यानी कि आपको पैसा कितना मिलेगा, तो वो अगर आपको नहीं पता है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये एक लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो तो है नहीं। तो जो भी लॉन्ग वीडियोज होते हैं उन पर जो एड्स आते हैं उन्हीं से पैसे मिलते हैं, मुझे या फिर जो भी YouTube पे क्रिएटर हैं उनको भी। सेम इसी तरीके से होगा शॉर्ट्स में भी, यानी कि शॉर्ट्स फीड में जो भी एड्स देखने को मिलेंगे उसी के थ्रू आपको पैसे मिलेंगे। सपोज कीजिए कि आप शॉर्ट्स देख रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो और जैसे ही दो चार शॉर्ट्स आपने स्क्रॉल किए बीच में एक एड्स आ गई। जो एड आएगी वो भी शॉर्ट्स के जैसे ही आएगी, मतलब कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे हो, चार शॉर्ट्स ऊपर निकली और बीच में एक ऐड आ गई, वो भी आपको एक शॉर्ट्स वीडियो की तरह ही दिखेगी लेकिन वो ऐड रहेगी। तो उसी ऐड का पैसा शॉर्ट्स क्रिएटर्स को मिलेगा। तो पहले एक बात यहाँ पे आपको समझनी होगी कि पैसा किसको कितना मिलेगा। सबसे पहली बात, ये जो लॉन्ग वीडियो आप देख रहे हो तो इस तरह की जो भी वीडियोज हैं इसमें जो भी एड्स चलते हैं तो उनसे जो भी पैसे जनरेट होते हैं उनका 55% क्रिएटर को मिलता है और 45% खुद YouTube रखता है। यानी कि ये जो वीडियो आप मेरी देख रहे हो या फिर किसी भी क्रिएटर की लॉन्ग वीडियो देख रहे हो तो उस पर कोई भी ऐड आया, कोई भी वहाँ पर प्रचार चला, तो उस ऐड के लिए जो भी पैसे मिले होंगे YouTube को, तो उसमें से 45% खुद YouTube रख लेगा, 55% क्रिएटर को दे देगा। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं शॉर्ट्स की तरफ। तो मान लीजिए कि आपने एक शॉर्ट्स का चैनल स्टार्ट किया है, सिर्फ स्पेशली शॉर्ट्स का, शॉर्ट्स अपलोड करते हो, तो अब होगा क्या कि शॉर्ट्स कोई देख रहा है, कोई भी पर्सन शॉर्ट्स देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है और पांच वीडियो या फिर चार वीडियो स्क्रॉल हुई बीच में एक ऐड आ गया, चार वीडियो स्क्रॉल होने के बाद एक ऐड आ गया, तो वो जो ऐड है उससे जो पैसा मिलेगा जस्ट लॉन्ग वीडियो के उल्टा मिलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि चार शॉर्ट्स के बाद ऐड आए हैं तो जो चार शॉर्ट्स होंगे वो तो सारे अलग अलग क्रिएटर्स को होंगे, तो YouTube क्या करेगा, जितना भी उसका पैसा बनेगा उस एड से जितना भी पैसा बनेगा उसमें से 55% खुद रख लेगा और 45% जो भी पैसा बचेगा उस 45% को उन चारों क्रिएटर में शेयर कर देगा बराबर। समझ में आ गई बात। लॉन्ग वीडियो पे होता क्या है कि 55% क्रिएटर को मिलता है, 45% YouTube रखता है, और शॉर्ट्स में क्या होगा कि खुद YouTube 55% रखेगा और 45% क्रिएटर्स को देगा। समझ में आ गई बात, ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए बहुत सारे लोग करते क्या है कि शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाते हैं और शॉर्ट्स के साथ सॉन्ग्स भी यूज करते हैं, इट मीन्स कि जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं उनको यूज कर करके वीडियोज़ बनाते हैं। तो देखिए अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ओरिजिनल खुद का कंटेंट बनाते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वो ऐसे मान लीजिए कि आप कोई शॉर्ट्स बना रहे हो और उसमें आपने कोई बॉलीवुड सॉन्ग यूज किया और वो बॉलीवुड सॉन्ग आपने अपनी मन मर्जी से किया, मतलब कहीं से भी कोई भी गाना उठाया उसको एडिट करके आपने उस शॉर्ट्स में अप्लाई किया और उस शॉर्ट्स को अपलोड कर दिया, तो उस शॉर्ट से एक भी रुपये आपको नहीं मिलेंगे, 0 रुपये आपको मिलेंगे, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, जाहिर सी बात है आना ही है, तो ऐसा कुछ मत ही कीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की, वो ये है कि मान लीजिए कि YouTube शॉर्ट्स का जो फीड होता है, जैसे YouTube आप ओपन करोगे वहाँ पे जो शॉर्ट्स का फीड होता है, मतलब डायरेक्ट हम YouTube के एप्लीकेशन से ही शॉर्ट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है म्यूजिक पिकर का, जहाँ से हम बॉलीवुड के सॉन्ग्स को उठा करके अपनी शॉर्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से म्यूजिक यूज करते हो, यानी कि यहाँ से अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग अपने शॉर्ट्स में यूज करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपका अमाउंट बन रहा था, जो पैसा बन रहा था, तो वो अभी तक क्रिएटर और यूट्यूब के बीच में, मतलब दो ही लोगों तक वो पैसे जा रहे थे। अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपकी कोई भी शॉर्ट्स वीडियो है या फिर आप ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो जिसमें आप सिर्फ सॉन्ग यूज करते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स के फीड में जो भी बॉलीवुड सॉन्ग्स दिए रहते हैं उनको यूज कर करके आप वीडियो बना रहे हो, आप शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो इस तरह के जो वीडियोज होंगे इनका पैसा तीन पार्ट में डिवाइड होगा। यानी कि जिनका सॉन्ग होगा, यानी कि जो भी बॉलीवुड सॉन्ग आपने यूज किया है, वो टिप्स कंपनी का हो, टी सीरीज का हो, वीनस का हो या फिर जिस भी कंपनी का रहेगा, उनको भी पैसे जाएंगे। फिर जो चार वीडियो पांच वीडियो जो भी निकले हैं उनको जाएंगे और तीसरा हिस्सा खुद YouTube लेगा। तो हो गया क्या कि जो 45% बचा हुआ है तो उसमें से जो म्यूजिक कंपनी है उसको भी पैसे जाएंगे और बाकी जो क्रिएटर्स हैं उनको भी पैसे जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से पैसा आपका डिवाइड हो जाएगा, 55% तो खुद YouTube भी रखेगा ही, बाकी की चीज़ें इस तरीके से वर्क करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो शॉर्ट्स के अंदर और बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह यूज करने हैं, तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी है, वहाँ से यूज करके आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो, तो जो भी अमाउंट है डायरेक्ट आपको मिलेगा, मतलब कि सिर्फ क्रिएटर को मिलेगा और किसी थर्ड पार्टी को नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह यूज करोगे तो उसी पैसे में से उनको भी जाएगा। ये तो ऑलरेडी ही 45% है, इतना कम है, मतलब एक तरीके से हम कम ही कह सकते हैं, और उसमें से भी अगर हमने सॉन्ग यूज कर लिया तो उस 45% में से कुछ उनको भी चला गया, तो फिर तो नुकसान अपना हो गया ना। इतनी मेहनत करके आप शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट कर रहे हो और उस पैसे का कुछ और अमाउंट किसी और को भी फिर से शेयर करना पड़े तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहूँगा
कि अगर आप वीडियो बना रहे हो शॉर्ट्स के अंदर तो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड म्यूजिक किसी का यूज़ कर लिया, कोई बॉलीवुड सॉन्ग नहीं यूज़ किया, तो इससे क्या होगा कि जो 45% है उसमें से डायरेक्ट आपको पैसे मिलेंगे, किसी और को वो पैसे नहीं जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इस वीडियो में मैंने अभी तक जो भी बातें बताई हैं, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जा रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।